पिछले 4 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में सत्ताधारी दल की सत्ता में वापसी नहीं हुई। इसके बाद भी कांग्रेस 25 साल से चले आ रहे इस सूखे को तोड़ने का दावा कर रही है, जबकि राजस्थान के मतदाता का मिजाज ऐसे दावों के उलट ही नजर आता है। दरअसल पिछले 4 चुनाव में राजस्थान में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई। दिलचस्प यह है कि सत्ताधारी पार्टी ज्यादातर विधायक और मंत्रियों को हार झेलनी पड़ती है। पिछले चुनाव में जीत का रास्ता नए चेहरों के लाने से ही बनता दिखा। पिछले चुनाव के चलते इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में 163 में से 94 को फिर से टिकट दिया। इनमें से 54 विधायकों को हार हुई, जिनमें से 16 मंत्री थे। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 75 विधायकों को टिकट दिया, जिनमें से सिर्फ 5 ही जीते। पिछले चुनाव में हारे हुए 31 उम्मीदवार रिपीट किए और 9 ही जीते, जबकि 31 मंत्री भी चुनाव हार गए। 2013 में कांग्रेस के 95 में से सिर्फ 73 उम्मीदवार ही जीत सके। 2008 के चुनाव में बीजेपी ने 68 चेहरे रिपीट किए, उनमें से 28 ही जीत सके। हारने वालों में ज्यादातर मंत्री और विधायक शामिल थे। इस बार बीजेपी ने 125 नए उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 48 ही जीते। साफ राजस्थान के मतदाता पुराने चेहरों से ऊब जाते हैं। मतदाता का रुख विपक्ष के नए चेहरों को लेकर भी यही रहा, और यही रुख मतदाता का 2003 में चुनाव में देखने को मिला। ऐसे में सत्ता में वापसी के कांग्रेस के दावे तभी हकीकत में बदल पाएंगे जब वो पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरों पर दाव खेले। राजनीतिक पंडित यह भी मानते हैं कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हर 5 साल बाद अच्छी परंपरा है, जो राजनीतिक के खुलेपन को दर्शाता है, लेकिन इसे राज्य का विकास भी रुकता है। द सिकर न्यूज के लिए जयपुर से रमेश जी की ये खबर। राजस्थान चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए द सिकर न्यूज। आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम राजस्थान चुनाव 2023 को लेकर हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय राजस्थान।